Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do MPR on Toshiba 16 slice Activion 16. Okay? So, कैसे MPR करते हैं, कहाँ से जाना है, कैसे करना है, वो सब मैं आज आपको ये वीडियो में शो करने जा रहा हूँ. Okay? So, let's start. ये सबसे पहले यहाँ पे अपना HD इमेजेस है रहता है, वहाँ से सबसे पहले देख लेना है. ओके, कि अपना सबसे पहले देखो, अपना रिकॉन कर लेना, रॉ डेटा में क्लिक करना. रिकॉन ज़रूरी है MPR के लिए, रिकॉन के बिना MPR अच्छा नहीं आएगा. सो रॉ डेटा पे क्लिक करते हैं. ये पेशेंट का नाम है, यहाँ पे सब सीरीज़ है. ये सीरीज़ आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी सीरीज़ को आपको रिकॉन चाहिए. अभी मेरा सेकंड सीरीज में मैंने कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज रखा है, तो इसको लिया, क्लिक किया. ओके, सबसे पहले रिकॉन कर देना आप. यहाँ से रिकॉन कैसे करना है, यहाँ से स्लाइस जो है, ये ओरिजिनल इमेज है 5 थिकनेस का, बट स्कैन मैंने इक्विजिशन लिया है 1 mm. सो यहाँ से करते हैं 1 mm. इसको रिकॉन इंटरवल है 0.5. ओके, फिर यहाँ से इसका फिल्टर जो है यहाँ पे क्लिक कर देना. बॉडी स्टैंडर्ड एक्सेल, इसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे कर देना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम. ओके, स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे लिया. ओके, ये इमेज हुआ है 691. इमेजेस है. ओके, इतना कर लेना. फिर यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देना. ओके, फिर इसको क्लोज. तो यहाँ पे रिकॉन हो जाएगा. फिर जैसे ये रिकॉन होता है तो यहाँ HD इमेजेस जो अपना है यहाँ पे क्लिक कर देना. अभी ये पेशेंट का मैंने रिकॉन किया है 432 इमेजेस. ओके, यहाँ पे इमेजेस सिलेक्ट किया, MPR के ऊपर क्लिक करके इसको लोड कर देना. ये यहाँ पर लोड हो गया. ओके, ये कोरोनल सजेडल एक्सेल. अभी कोरोनल चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करना, पहले ये विंडो के ऊपर क्लिक करना. फिर यहाँ से बैच MPR है तो बैच बनाना रहता है. ठीक है, बैच पे क्लिक किया, स्टार्ट एंड एंड ये पहले से कर देना. फिर यहाँ से स्टार्ट करना, सुपीरियर टू इन्फीरियर ले लेना. अभी यहाँ से इमेजेस देखना, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है. कभी कभी ऐसे उल्टा भी होता है कि भाई 50 से 1 हो गया, पर इसको यहाँ से आप पकड़ के इसको कर देना सुपीरियर टू इन्फीरियर. ओके, अभी मैंने लिया है यहाँ पे 30 इमेजेस ले लेना, इसको एंटर कर देना. ओके, और यहाँ से सिर्फ सेव करना है. तो ये आपका कोरोनल जनरेट हो गया. अभी सहज चाहिए तो सहज के विंडो पे क्लिक किया, यहाँ पे ये विंडो पे क्लिक करना. फिर स्टार्ट एंड, फिर इसको भी राइट टू लेफ्ट आप ध्यान से कर सकते हो. ये मैंने देखा 1 to 30 नंबर, राइट टू लेफ्ट ये ध्यान रखना. इसको भी सेम सेव किया, 30 इमेजेस ये भी सेव होगा. अभी एक्सेल चाहिए तो एक्सेल पे क्लिक करना, स्टार्ट एंड. इसको यहाँ से लेते हैं किडनी के वहाँ से, और ये एनुअल कैनाल तक ले लिया है मैंने 30 इमेजेस. अभी इसको तो ज़्यादा एक्सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वैसे तो कभी कभी रिकॉन करना हो, MPR बनाना हो और इसका और थिन इमेजेस चाहिए, तो ये इमेज के ऊपर से ही आपका एक्सेल भी आ सकता है. इसको भले आप 200 इमेज कर दो तो एक्सेल 200 इमेज आ जाएगी. ठीक है, तो ये अपना MPR हो गया, मल्टी प्लानर रिकन्स्ट्रक्शन. फिल्म पे जाना है, डायरेक्टरी पे क्लिक करना है. ये वैशाली नाम का पेशेंट है. ओके किया, फिल्मिंग के ऊपर क्लिक करना. ये पूरा आ गया है. ओके, ये अभी मैंने जो रिफॉर्मेट किया है, सबसे पहले ये कोरोनल यहाँ से लेके आप देख लेना, कोरोनल MPR जनरेट हो गया. ठीक है, ये सहज इमेजेस जनरेट हो गया. ओके, ये एक्सेल मैंने बनाया है, एक्सेल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब स्कैन किया है तभी मैंने रिकॉन डाल के यहाँ पे एक्सेल
फाई थिकनेस और फाई स्पेसिंग के ऊपर बनाया है, और रिकॉन चाहिए तो वहां से आप एमपीआर कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।